हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निवांशी टेरिस गार्डन। तो फ्रेंड, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज मैं संडे ओवरव्यू नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो मैंने सोचा आज संडे ओवरव्यू नहीं दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड एक बहुत ही खूबसूरत पौधा पेंटास के बारे में, जो साल भर फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्लावरिंग पे है, ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट। और इधर हिबिस्कस में भी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। मेरे सभी हिबिस्कस में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और इधर भी देख सकते हो आप। और मैंने चार पौधे हो गए हैं मेरे डहेलिया के, और बहुत अच्छे से कलियाँ भी आई है। और ये देखिए, ये एक पेंटास है पर्पल पिंक कलर का। तो मेरे पास दो पौधे हो चुके हैं, एक पिंक कलर का है रेड कलर, और एक ए पर्पल कलर का। तो इस तरह से फूल खिल जाने के बाद इस तरह से आपको तोड़ना है, और मैं ऐसे ही मिट्टी में दबा देती हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हो न्यू पत्तियाँ ग्रो हो चुकी है और मेरे पौधे लग चुके हैं, ये कटिंग भी। तो आप इस तरह से पेंटास के आसानी से कटिंग भी ग्रो कर सकते हो। और जब आपके फूल सूख जाते हैं तो आपको वो कट करना होता है वहाँ से, और आपका पौधा अच्छे से देख सकते हो इस तरह से बुशी भी बन जाता है, बहुत खूबसूरत होता है ये पौधा। इसमें बंचेस में भी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड, और इसमें 3-4 कलर भी आते हैं। पिंक आता है, वाइट आता है, पर्पल आता है, रेड आता है, इस तरह से। मेरे पास तो अभी 2 कलर है फ्रेंड, और मैं 2 कलर और ऐड करूँगी, जब मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। तो जब ये फूल सूख जाते हैं तो इस तरह से हमें तोड़ते रहना चाहिए, ताकि न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है और हमारा पौधा भी बुशी बन जाता है, और इस तरह से हैवी ब्लूमिंग भी हो जाती है। और बात करेंगे इसके मिट्टी की, तो इसको मिट्टी में नमी बहुत पसंद होती है फ्रेंड। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखने ना दे, हमें देखते रहना चाहिए मिट्टी सूखी है कि नमी है। इसको अगर मिट्टी सूख जाए तो इसके पत्ते मुड़ जाते हैं और पौधा भी सूख जाता है। तो हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है पेंटास में। और उसके बाद मिट्टी की बात करेंगे तो इसे पोरस मिट्टी बहुत पसंद है, तो आप चाहो तो सैंड इस्तेमाल करो, या फिर मैं तो राइस हस्क इस्तेमाल करती हूँ, राइस हस्क की राख मिट्टी और गोबर की खाद, इस तरह से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड। और महीने में एक बार इसमें आप फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर करिए, ताकि पौधा फंगस से ना खराब हो जाए, और इसको हम आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं फ्रेंड। और बात करें इसके खाद की, तो आप इसमें गोबर खाद भी दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी इसे दे सकते हो। मैं तो इसमें कुछ DAP के दाने डाल देती हूँ, गोबर खाद और पोटैश के कुछ दाने, और जो फर्टिलाइज़र जो घर में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वही इसमें देती रहती हूँ। ये और एक कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ये साइड वाली पिटूनिया की कटिंग है, वो भी चल गई है मेरी, ये देख सकते हो पेंटास की कटिंग लगाई थी, ये भी मेरी कटिंग चल गई है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा पौधा है। तो आप भी नर्सरी से इस पेंटास के पौधे को ज़रूर खरीदें फ्रेंड। नर्सरी में इसकी प्राइस 40 या 50 रुपए में ये आसानी से आपको मिल जाएगा, और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है, बहुत आसानी से कटिंग से भी तैयार हो जाता है। आप नर्सरी से एक पौधा ला के उसके बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हो, और बहुत ही कलर वेराइटी भी होती है, 4-5 कलर आते हैं इसमें, आप जो चाहे लगाओ। और ये पूरे साल भी ऐसे ही ब्लूमिंग करता है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत दिखता है पेंटास। तो आप सभी पेंटास को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा होता है ये, और बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करिए।